तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर एम्पलीफायर के बारे में, जो कि SPB3 के, SPB4 के और SPB5 के प्राइस डिटेल्स रहेगा। यहाँ पर है SPB3 के एम्पलीफायर, जो कि इसका मॉडल नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि सुपर पावर बूस्टर 3000 वाट का एम्पलीफायर है और डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका चैनल 1 का गेन नॉब और यहाँ पर चैनल 2 का गेन नॉब आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो पुश 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्रिज मोड में एम्पलीफायर चला जाएगा। यहाँ पर पिक लाइट दिया हुआ है और जब ब्रिज मोड में जाएगा तो यहाँ पर बीच में येलो कलर का लाइट जलेगा, जो कि सफेद लाइट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डुअल पावर एम्पलीफायर हॉर्न स्पीकर, मतलब कि आप इसमें हॉर्न भी चला सकते हैं, स्पीकर भी चला सकते हैं 3K मॉडल में। और यहाँ पर 2 2x1500 वाट पर चैनल 8 2 ओम्स लोड, मतलब कि 2 ओम्स के ऊपर 1500 वाट का एक चैनल में लोड हम दे सकते हैं। लोड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे तो इस वाले एम्पलीफायर में हम यहाँ पर जो टॉप है वो 700 वाट का 4 टॉप हम चला सकते हैं, मतलब कि 300 वाट का डुअल टॉप काफी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और यहाँ पर हैंडल की क्वालिटी आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर SPB3 के का, और साइड का व्यू आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंजर का SPB3 के ओरिजिनल कोलकाता वाला आपको यहाँ पर मार्केट में लगभग 32 से 33 हजार के आसपास में मिल जाना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर SPB4 के, तो यहाँ पर है इसका मॉडल नंबर, जिसका मतलब होता है सुपर पावर बूस्टर 4000 वाट। तो ये है स्ट्रेंजर का SPB4 के डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर। यहाँ पर है स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग लोगो और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो एम्पलीफायर फ्रंट फेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें ब्रिज मोड का सिस्टम नहीं दिया हुआ है और इसमें क्लिप कंट्रोल भी नहीं है। पहले क्लिप कंट्रोल भी आ रहा था, फिलहाल इसमें क्लिप कंट्रोल नहीं है। एंड यहाँ पर चैनल 1 चैनल 2 के लिए गेन नॉब्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल पावर एम्पलीफायर इसमें लिखा हुआ है। इसमें हॉर्न जो है वो आप नहीं चला सकते, इसमें आप सिर्फ स्पीकर चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x2000 वाट पर चैनल 8 2 ओम्स लोड, मतलब की यहाँ पर हम एक चैनल में 2000 वाट का लोड दे सकते हैं इस वाले एम्पलीफायर में और यहाँ पर 2 ओम्स के ऊपर लोड रहेगा। स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो स्पीकर हम यहाँ पर 400 वाट का डुअल टॉप, मतलब कि 900 वाट का 4 टॉप कंप्लीट, जो कि आपका HF भी होगा, तो आप इस वाले एम्पलीफायर में 900 वाट का 4 टॉप चला सकते हैं। इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे तो SPB4 के आपको मार्केट में 36000 के आसपास में मिल जाएगा या फिर 37 भी जा सकता है, मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन आपको 36 में मिल जाना चाहिए। यहाँ पर है SPB5K, जो कि इसका मतलब भी आप जानते हैं सुपर पावर बूस्टर 5000 वाट का एम्पलीफायर, और यह है स्ट्रेंजर का, जो कि यहाँ पर ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। एम्पलीफायर का लुक आप देख सकते हैं सेम आपको 4K टाइप से देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, बस इसका वाटेज थोड़ा ज्यादा है, मतलब 1000 वाट ज्यादा है। तो कुछ इस प्रकार से एम्पलीफायर का यहाँ पर देख सकते हैं लुकिंग वाइज आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। यहाँ पर डुअल पावर एम्पलीफायर लिखा हुआ है और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन सभी एम्पलीफायर्स में होते हैं और यहाँ पर 2x2500 वाट पर चैनल 8 2 ओम्स लोड। तो इस एम्पलीफायर में हम एक चैनल में 2500 वाट का 2 ओम्स के ऊपर लोड दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन आपको मिलता है काफी अच्छा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्ट्रेंजर का जो एम्पलीफायर रहेगा वो आप टॉप बजाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं SPB5 के एम्पलीफायर में अगर हम टॉप चलाना चाहते हैं तो हम कितने वाट का टॉप चलाएंगे। तो इस वाले एम्पलीफायर में हम यहाँ पर जो है टॉप 500 वाट का डुअल टॉप चलाते हैं, 4 टॉप चलाते हैं, मतलब HF को मिलाकर के 1100 वाट का 4 टॉप चलाते हैं, तो काफी अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। और बात करते हैं SPB5K का एम्पलीफायर का प्राइस, तो जो SPB5K है इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस आपको लगभग मार्केट में 40 से 41, मतलब 41000 के आसपास में ये एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका फ्रंट फेस आपको देखने को मिलता है और ऊपर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। एंड आपका ये जो मॉडल है वो 3K और उसके बाद 4K थोड़ा सा लंबा रहेगा और 5K भी थोड़ा सा लंबा रहेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप एम्पलीफायर जैसे जैसे आप बढ़ा लेंगे
वैसे वैसे आपको लगभग 2 इंच के आसपास या फिर 1.5 इंच के आसपास एम्पलीफायर आपको थोड़ा लंबा देखने को मिल जाता है। और एम्पलीफायर का बैक पैनल का लुक्स आप देख सकते हैं। बैक पैनल में यहाँ पर आपको जो 3 के एम्पलीफायर है वो ब्रिज मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा जो है अलग टाइप से टर्मिनल सॉकेट आपको देखने को मिल जाते हैं। और पहले वाला में स्पीकोन दिया होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा SPB3 के, SPB4 के, SPB5 के तीनों एम्पलीफायर का मैंने आपको प्राइस बताया है। और अगर आप SPB2 के का प्राइस भी जानना चाहते हैं तो SPB2 के आपको लगभग 28,000 के आसपास में मिल जाना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।